अगर आप अपने लिए एक ऐसी बाइसिकल ढूंढ रहे हो जिसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक के साथ साथ शिमानो के 21 गियर्स एंड फ्रंट में सस्पेंशन फोक मिल जाए, वो भी काफी अफोर्डेबल बजट में, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। Hey guys, my name is Vishu. I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. And आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Leader Cycles की तरफ से Leader Ultima 2060. Now, Leader Ultima 2060 एक 26-inch की MTB bicycles है from Leader Cycles. Now, जो Leader Cycles है वो हमारे इंडिया का ही एक ब्रांड है एंड इंडिया में ही इनके bicycle की जो पूरी manufacturing है वो होती है। तो लीडर अल्टीमा का जो पूरा फ्रेम है ये एक 26 इंच का फ्रेम है, हाइटेन स्टील का बना हुआ ये पूरा फ्रेम है एंड टिक वेल्डिंग के थ्रू उस फ्रेम को पूरी तरीके से वेल्ड किया गया है। स्टील के बने होने के वजह से ये जो फ्रेम है इसकी रिजिडिटी एंड जो इसका स्टिफनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो की बाइक का जो पूरा फ्रेम है उसमें आपको डिफरेंट तरीके के जो ग्राफिक्स हैं वो लीडर साइकिल्स की तरफ से मिलते हैं। बॉटम ट्यूब में आपको लीडर साइकिल का जो पूरा ब्रांडिंग है वो देखने को मिलता है। टॉप ट्यूब में जो इस मॉडल का नाम है अल्टीमा उसकी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इस बाइसिकल में लीडर साइकिल्स ने काफ़ी डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है जिसमें आपको ब्लैक, येलो एंड रेड कलर का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। इस बाइसिकल के फ्रंट में आपको मिलता है सस्पेंशन फोक जो कि पूरी तरीके से स्टील का बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट 30-40 mm का ट्रैवल ये सस्पेंशन फोक आपको प्रोवाइड करती है। इस बाइसिकल में जो आपको स्टेम मिलता है वो एक थ्रेडेड स्टेम है एंड इस बाइसिकल का जो हैंडल बार है वो पूरी तरीके से स्टील का बना हुआ है जिसमें आपको 640 से लेके 660 mm तक की जो लेंथ है वो मिलती है। हैंडल बार में ही आपको रबर के जो ग्रिप्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं जिसमें आपको डिफरेंट तरीके के कलर्स देखने को मिलते हैं। एज वेल एज हैंडल बार में ही आपको शिमानो की तरफ से 3x7 का जो रैपिड फायर शिफ्टर है वो आपको मिलता है जो कि शिफ्टर प्लस ब्रेक लीवर्स का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। लीडर साइकिल्स ने इस बाइसिकल में आपको प्रोवाइड किया है डबल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जिसमें फ्रंट एंड रियर में आपको मिलते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। बोथ फ्रंट एंड रियर में आपको 160 mm का जो डिस्क ब्रेक का रोटर है वो मिलता है। ये एक 6-bolted डिस्क ब्रेक है जिसका मतलब है कि आप फ्यूचर में बहुत ही इजीली इन डिस्क ब्रेक के रोटर्स को आप चेंज कर सकते हो एंड आगे जाके थोड़े हायर लेवल के डिस्क ब्रेक के रोटर्स में आप अपने बाइक को काफी इजीली अपग्रेड कर सकते हो। इस बाइसिकल में जो आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है उसमें आपको शिमानो के B01S जैसे ही जो ब्रेक पैड्स हैं वो मिलते हैं जिसका मतलब है कि इन फ्यूचर अगर आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो अगर खराब भी हो जाते हैं या वो खत्म भी हो जाते हैं तो आप बहुत इजीली मार्केट से इनका जो रिप्लेसमेंट है वो काफी इजीली खरीद सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइसिकल के व्हील सेट की। तो इस बाइक में आपको मिलता है 26 इंच का पूरा व्हील सेट जिसमें आपको मिलता है 26x2.35 के टायर्स जो कि हिंदुस्तान ब्रांड के तरफ से है एंड अप टू 65 PSI तक का प्रेशर ये सपोर्ट करते हैं। 26x2.35 के टायर होने की वजह से इस टायर के जो ट्रेड्स हैं वो काफी अच्छे हैं जिसका मतलब है कि बोथ रोड एज वेल एज ऑफ रोड या जो ऑफ बीटन ट्रैक्स होते हैं उसमें जो आपका टायर का पूरा ग्रिप होगा वो काफी अच्छा आपको मिलता रहेगा। 2.35 वाइड होने की वजह से इनका जो ओवरऑल ग्रिप है वो काफी अच्छा होता है एंड जो रोड के साथ सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाता है जिसके वजह से आपकी हैंडलिंग काफी इजी होती है। हाउएवर 2.35 के विद होने के वजह से जो स्पीड है उसको थोड़ा सा ये कम कर सकते हैं बट ओवरऑल कंट्रोल एज वेल एज एक सेफ राइड के लिए जो 2.35 का जो पूरा विद है वो काफी अच्छा है। ऑल्दो नॉबी टायर्स होने के बाद भी जो इसका ओवरऑल रोलिंग है रोड पे वो काफी अच्छा है एंड काफी स्मूथ ये राइडिंग प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द टेस्ट राइड जब मैंने इसको रोड पे राइड किया था जो ओवरऑल इसका रोलिंग था वो मुझे काफी स्मूथ लगा। 2.35 टायर होने के बाद भी मुझे कहीं से भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो टायर है वो काफी ज्यादा स्लो है या काफी ज्यादा मेरे स्पीड को रोक रहे हैं। ऑल्दो जो ओवरऑल स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो सकती है So now let's talk about one of the most attractive feature on this bike कि इस बाइक में आपको शिमानो के तरफ से 21 गियर्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 3-speed का क्रैंकसेट मिलता है जो कि स्टील का बना हुआ है जिसके साथ आपको मिलता है शिमानो के तरफ से फ्रंट का डीरेलर। रियर की अगर हम बात करें तो उसमें हमको 7-speed का जो पूरा फ्री व्हील है वो देखने को मिलता है जिसके साथ आपको मिलता है शिमानो टर्नी टीजी का 7-speed का रियर डीरेलर।
नाउ 21 गियर्स कॉम्बिनेशन मिलने के वजह से आप किसी भी तरीके के टेरेन में इस बाइसिकल को काफ़ी इजीली राइड कर सकते हो। फिर चाहे वो आपको क्लाइंब करना हो किसी ब्रिज में, किसी फ्लाईओवर के ऊपर, या फिर कहीं पे आपकी ढलान वाली राइड हो या फ्लैट रोड्स हो, आप उसमें बहुत इजीली अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गियर्स को चेंज कर सकते हो एंड काफ़ी इजीली इस बाइसिकल को लेकर राइड कर सकते हो। नाउ गाइस, जो नॉर्मल प्लास्टिक पेडल्स मार्केट में मिलते हैं उनके मुकाबले जो पेडल इस बाइक में आपको मिलता है वो थोड़े से थिक है। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस बाइक कि इस बाइसिकल में आपको वाटर बॉटल केज एज वेल एज वाटर का बॉटल जो है वो एज अ एक्सेसरी आपको गिफ्ट में फ्री मिलता है। बाइक का जो सैडल है वो काफ़ी ब्रॉड है एंड अच्छे खासी कुशनिंग के साथ ये आता है। इस बाइसिकल में जो सीट पोस्ट है वो आपको स्टील का मिलता है, जिसके साथ आपको मिलता है क्विक रिलीज लीवर, जिससे आप अपनी सीट को बहुत ईजिली ऊपर या नीचे अपने हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। इस बाइसिकल का जो व्हील सेट है उसमें आपको क्विक रिलीज का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो अब बात कर लेते हैं इस बाइसिकल के ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी की। सो ड्यूरिंग द टेस्ट जब मैंने इसको राइड किया तो ब्रॉड सैडल होने के वजह से जो ओवरऑल कंफर्ट था मेरा सिटिंग में वो काफ़ी अच्छा मेरे को मिल रहा था। मैंने किसी भी तरीके का इनर शॉर्ट्स या जेल पैडेड शॉर्ट्स मैंने नहीं पहना था, बिकॉज ये जो सैडल है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप नॉर्मल कपड़े पहन के ही आप बहुत ईजिली इस बाइक को लेकर राइड पर जा सकते हो एज वेल एज अपने कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नाउ कम्यूट करने की बात जब हम लोगों ने की है तो कम्यूटिंग इस बाइक में काफ़ी ईजिली आप कर सकते हो। 26 इंच व्हील सेट होने के वजह से बाइक का जो रोलिंग है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा है। ऑन रोड ये काफ़ी अच्छा रोलिंग आपको प्रोवाइड करती है। 2.35 के टायर होने के वजह से जो ग्रिप है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है ना, आपकी ओवरऑल जो हैंडलिंग है उसको भी काफ़ी इंप्रूव करती है। शॉर्ट हैंडल बार होने के वजह से जो आपका ओवरऑल पॉस्चर है आपकी बाइक के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रेट बनता है। एज यू कैन सी कि ये जो बाइक है इसका जो ओवरऑल सिटिंग पॉस्चर है वो काफ़ी स्ट्रेट आता है, ऑलमोस्ट लाइक अ हाइब्रिड बाइक। तो एक हाइब्रिड बाइक जैसा ही कंफर्ट इस बाइक में आपको सिटिंग पोस्चर में मिल सकता है। एंड जब आप इसको राइड करते हो तो वाइडर हैंडलबार ना होने के वजह से आपका हैंड भी काफ़ी कंफर्टेबली सामने की तरफ रहता है, जिससे आपके शोल्डर को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इस बाइसिकल में जो स्टैंड है वो पहले से ही आपको लगा हुआ मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि लीडर अल्टीमा 2060 किन लोगों के लिए आइडियल है एंड परफेक्ट है। सो इन केस अगर आपका जो बजट है वो काफ़ी एंट्री लेवल है, मीन्स 10 से 11,000 रुपए के अंदर आपका जो बजट है वो पूरा है, जिसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक, वाइड एमटीबी वाले टायर्स एज वेल एज 21 गियर्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाए, तो लीडर अल्टीमा 2060 को आप काफ़ी इजीली कंसिडर कर सकते हो अपने परचेज के लिए एंड अपनी डेली राइडिंग एंड कम्यूटिंग के लिए। नाउ लीडर अल्टीमा 2060 का जो प्राइस है वो है 10,800 रुपए एज पर देयर वेबसाइट। सो गाइस, इस बाइसिकल का ऑनलाइन बाइंग लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। इस बाइसिकल के रिगार्डिंग अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो टू गेट सम मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स, एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज एंड अपडेट्स मैं इस चैनल पे हर हफ्ते लेके आता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो को लेके। अंटिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।